गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी कंटिन्यू अ लेक्चर दैट इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में कैसे हो रहा है उसको प्रीवियस लेक्चर में अपन देखे थे, कुछ उसका पार्ट को देखे थे। ठीक है, और आगे जो है अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें अपन फीमेल सेक्स पार्ट को लेके चल रहे हैं। फ्लावर के फीमेल सेक्स पार्ट को अपन जो डिस्कस किए थे, ठीक है, प्रीवियस क्लास में, और उसी को जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फीमेल सेक्स पार्ट में किसको किसको डिस्कस किए थे, तो अपन बोलते हो कार्पेल को डिस्कस किए थे या पिस्टिल को डिस्कस किए थे। ठीक है, और कार्पेल फ्लावर का फीमेल सेक्स पार्ट है। ठीक है, कार्पेल में कितना पार्ट होते हैं, तो कार्पेल डिवाइड इन थ्री पार्ट्स। ठीक है, कार्पेल तीन पार्ट में डिवाइड होता है, कौन सा, तो अपन बोलते स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। सबसे ऊपर का जो पार्ट है जो स्टिकी नेचर का है जिसमें पॉलिन आके लैंड करता है उसको अपन बोलते हैं स्टिग्मा, और जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसको बोलते हैं स्टाइल, और फिर जो स्वेलिंग पार्ट है उसको बोलते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है तो अपन बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कई चीजों को, कार्पेल से रिलेटेड कई चीजों को देखे थे, मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, सिंकार्पस, एपोकार्पस। ठीक है, तो ये सब टर्म जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये सब चीजें जो है समझने वाली रहती है। उसके बाद प्लेसेंटेशन को, प्लेसेंटा को देखे थे कि ओवरी में कुशन लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको प्लेसेंटा बोलते हो, उसी के ऊपर ओव्यूल जो है अरेंज है। ठीक है, और उस अरेंजमेंट को बोलते हो प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो प्लेसेंटेशन तो आपके अभी लेवल पे नहीं है लेकिन ओवरी के अंदर देख रहे हैं क्या है, तो ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, ओव्यूल आपके मतलब सिलेबस में, तो ओव्यूल को डिटेल से कर रहे हैं कि ओव्यूल क्या है, कितने टाइप्स है, तो उसको अपन जो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं ओव्यूल, अब देख लेते हैं कहां पे ओव्यूल है, तो देखेंगे। अगर मैं फीमेल सेक्स पार्ट को देख रहे हैं, आप इस हेडिंग को नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि फीमेल सेक्स पार्ट आपका ऐसे डायल चुके हो। ठीक है, तो ओव्यूल जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो वैसे आप भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फीमेल सेक्स पार्ट ऑफ फ्लावर और फीमेल सेक्स पार्ट में अपन क्या देखे थे, तो अपन देखे थे इसको कार्पेल, कार्पेल या इसी का दूसरा नाम क्या है, तो अपन बोलते पिस्टिल। ठीक है, इसको अपन देखे थे, यही फीमेल सेक्स पार्ट है और इसमें कितने पार्ट होते हैं, तो इस तरीके से कार्पेल का एक स्ट्रक्चर है, दिस वन, और ये थैलमस और ये पेडिसिल, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। बाकी के पार्ट यहां पे लगे हुए हैं, बाकी इस तरीके का पार्ट यहां पे जो है प्रेजेंट है, और दूसरे भी कलरफुल पार्ट है, सब जो आप पहले जो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, इन लोगों को सबको अपन डिस्कस की इस तरीके का पार्ट, और कार्पेल को अपन इसको फोकस करें, इसलिए मैं बड़ा बना दिया, नहीं कि बड़ा रहता है ऐसा ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको फोकस करना है तो मैं बड़ा बना दिया, दिस वन इज व्हाट स्टिग्मा, स्टिग्मा को हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किए थे, दिस वन इज स्टाइल, दुनिया का सबसे बड़ा स्टाइल कहां किस प्लांट में है, तो वो तो जी मेज में या जिया मेज, दिस स्वेलिंग पार्ट इज ओवरी, और ओवरी राइपनिंग के बाद या फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें कन्वर्ट होते, तो फ्रूट में, और इसी चीज को खाते हैं, ओवरी वॉल को भी अपन डिस्कस किए थे, इपिका, मेसोकार्प, प्रोटोकार्प, ये सब हो गया, और ओवरी के अंदर इस तरीके का ओवरी के अंदर इस तरीके का एक दूसरा स्ट्रक्चर है, और इसी के ऊपर ओव्यूल प्रेजेंट है, दिस वन इज व्हाट ओव्यूल, तो इसी को अपन डिस्कस करेंगे, दिस वन इज ओव्यूल।
या इसी का दूसरा नाम क्या है, वो तो मेगा ओव्यूल है। यहां पे देखें एक कुशलाई की स्ट्रक्चर है ओवरिया पार्ट, इसपे ओव्यूल प्रेजेंट है, इसको ओव्यूल बोल रहे, इसी को अपन डिस्कस करेंगे। ओव्यूल या इसी का दूसरा नाम है मेगा स्पोरेंजियम। मेगा क्या? स्पोरेंजियम या मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। तो ये पार्ट है, इसी को अपन जो देख रहे हैं, तो हेडिंग डाल रहे हैं ओव्यूल। ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है? मेगा स्पोरेंजियम। इस तरीके से है, एक ओव्यूल है और इस तरीके का कंडीशन है ओव्यूल का।
ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा पार्ट है ओवरियन का, तो इस ये जो ओपनिंग पार्ट है यार यहां से चलते हैं। तो दिस इज स्टॉप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज स्टॉप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक। और जो इस स्टॉप ओव्यूल, एक ओव्यूल का मेन पार्ट है ओव्यूल, फ्यूनिकल का लास्ट एंड जो है उसको बोलते हो हाइलम, जो जंक्शन की तरह काम कर रहा है, फ्यूनिकल को ओव्यूल से जोड़ रहा है। तो दिस लास्ट एंड ऑफ फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम, क्या बोल रहे हैं, तो हाइलम बोल रहा हूं, ठीक है। ये आपको समझना है हाइलम क्या है। और उसके बाद आप देख रहे हैं इस ओपनिंग जो है जहां पे इंटोगमेंट नहीं है, चलो इसको इस कवरिंग को अपन क्या बोलो, दिस वन इज इंटेगमेंट, इंटेगमेंट बोल रहे, दिस वन इज इंटेगमेंट कवरिंग। और जहां पे इंटेगमेंट नहीं है तो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, क्या बोल रहे हैं अपन, माइक्रो पाइल, या इसी को तो माइक्रोपाइल एंड बोल सकते हैं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल आपको समझना है ये ओपनिंग है, माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड को दिस एंड इज कॉल्ड, इस एंड को क्या बोल रहे हो, अपोजिट एंड को, दिस एंड इज कॉल्ड चलाजल मीन्स चले जाओ, चलाजल चलाजा, चलाजल या क्या लिख सकते हैं, चलाजल एंड लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, माइक्रोपाइलर एंड लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपना जो मेन पार्ट है, दिस मेन पार्ट इज कॉल्ड न्यू सेलस, क्या बोल रहे हो, न्यू सेलस बोल रहे हो, और न्यू सेलस, ठीक है। ये सबके सब पार्ट न्यू सेलस भी क्या है, ट्राइसन है, सबके सब के सेल में प्रोटीन्स का नंबर डबल डबल आ रही, ठीक है। न्यू सेलस के अंदर ही एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा, एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा न्यू सेलस के अंदर। देखिए कैसे डेवलप होता है, पहले तो इन लोग के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं कि क्या क्या मतलब जो कंडीशन है, ठीक है। तो ये आपको एक ओव्यूल के बारे में आपको थोड़ा समझना है, ओव्यूल किसका स्ट्रक्चर है, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, तो यहां पे क्या लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर आपका ओव्यूल लिख रहे हैं, या मेगा स्पोरेंजियम, ये आपको समझ में आया कि कौन कौन सा ऑर्गन पार्ट है, फ्यूनिकल, हाइलम, मेन पार्ट क्या है न्यू सेलस, और एक जो कोर है जो सीड में नहीं देखते हैं कभी, आप सीड को देखना तो उसमें एक जगह कोर होगा, वही माइक्रोपाइल होगा, सीड में मतलब जो है माइक्रोपाइल बचा रहा है, तो इस पार्ट को बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसके अपोजिट पार्ट को क्या बोलते हो, अपोजिट एंड को क्या बोलते हो, तो बोलते हैं चलाजा या चलाजल एंड, ठीक है। और एक कवरिंग जो है इसको बोलते हैं इंटेगमेंट, ठीक है, इंटेगमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, और इंटेगमेंट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, सीड पोड, ठीक है। तो ये ओव्यूल के बारे में हो गया, और कुछ इससे रिलेटेड जो भी फ्यूनिकल हाइलम इन लोग को पॉइंट करके लिखते हैं, फिर ओव्यूल का टाइप देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले देख रहे कौन सा पार्ट था, फ्यूनिकल को लेकर चल रहे, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल को लिखेंगे, अगर एग्जाम में आ रहा है कि ओव्यूल को डिस्क्राइब करिए तो पॉइंट करके लिखते चलेंगे, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल में पॉइंट करके लिख रहे हैं, फ्यूनिकल क्या है, इट इज स्टॉप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज छोटा छोटा पॉइंट है,
it is stock like structure. Next one is with the help of finical या finical help in attachment of ovule on placenta. Finical help in finical help in attachment attachment of ovule on placenta. ठीक है, तो ये फिनिकल का कंडीशन होगा. ठीक है, अब इसके बाद फिनिकल के बाद क्या हेडिंग डालेंगे? हाइलम. ठीक है, मैं हटा रही हूं हेडिंग नाम बनाए हाइलम. फाइनली इट इज एंड एंड पार्ट ऑफ फ्यूनिकल. नेक्स्ट वन इट इज जंक्शन ऑफ इट इज जंक्शन ऑफ फ्यूनिकल एंड ओव्यूल. फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जंक्शन है, जोड़ रहा है हाइलम. ठीक है, आप देख रहे हैं. नेक्स्ट लिख रहे हैं हम इसके बारे में, माइक्रोपाइल के बारे में लिख रहे हैं. माइक्रोपाइल it is a pore like नेक्स्ट पॉइंट इट इज पार्ट ऑफ ओव्यूल वेयर इंटेगमेंट इज एब्सेंट. इंटेगमेंट इज एब्सेंट. इट इज पार्ट ऑफ ओव्यूल वेयर इंटेगमेंट इज एब्सेंट. ठीक है, नेक्स्ट माइक्रोपाइल हेल्प इन एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब. माइक्रोपाइल एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब. माइक्रोपाइल किसमें हेल्प कर रहा है? पॉलन ट्यूब के एंट्री में हेल्प कर रहा है. ठीक है, जैसे मैं डायग्राम बनाऊं तो सपोज करो कि ये कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, और यहां पे इस तरीके का एक ओवर है और ये माइक्रोपाइल है और ये पॉलन ग्रेन है. पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन क्या फॉर्म किया? पॉलन ट्यूब फॉर्म किया. पॉलन ट्यूब और एक पॉलन ट्यूब इधर से इंटर करेगा.
दिस वन इज व्हाट, और यहां पे मेल गैमेट आएगा, दिस वन इज पॉलन ट्यूब। अपन करेंगे पॉलन ट्यूब को अलग से। तो जो माइक्रोपाइल है किसमें हेल्प कर रहा है, पॉलन ट्यूब के एंट्री में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये पॉलन है, फिर जर्मिनेट करके इस तरीके से इसको करेंगे बाद में, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे दे, ठीक है। तो माइक्रोपाइल आप जो समझ पाए क्या क्या कंडीशन है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे इंटेगमेंट नहीं है, और उसी पोर लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं माइक्रोपाइल, जो किसमें हेल्प कर रहा है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब के एंट्री में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसके अपोजिट पार्ट को क्या बोलते हो, तो अपन बोलते हो चलाजा लेनी या चलाजा, ठीक है। तो मैं हटा रहा हूं इसको और इसको लिख रहे चलाजा को, चलाजा, या इसी को क्या लिख सकते हैं, चलाजल एंड लिख सकते हैं, पॉइंट करके लिखेंगे इसमें, इट इज अपोजिट पार्ट ऑफ माइक्रोपाइल नेक्स्ट पॉइंट इट इज बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का बेसल पार्ट है। तो चलाजा नहीं था, माइक्रोपाइल के अपोजिट पार्ट को चलाजा बोल रहे हो, इट इज बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ठीक है। नेक्स्ट लिख रहे इंटेगमेंट, एक पॉइंट और इसमें मेंशन कर रहे हैं, इन सम केस पॉलन ट्यूब ऑल्सो एंटर थ्रू दिस साइड, इन सम केस पॉलन ट्यूब ऑल्सो एंटर फ्रॉम दिस एंड, ठीक है। हटा मैं इसको, क्या देख रहे हैं, तो अपन बोलते हैं इंटेगमेंट, इंटेगमेंट, इंटेगमेंट में पॉइंट लिखेंगे, इट इज एनवेलप ऑफ ओव्यूल दैट प्रेजेंट, दैट प्रेजेंट अराउंड ओव्यूल, इट इज एनवेलप ऑफ ओव्यूल दैट प्रेजेंट अराउंड ओव्यूल। नेक्स्ट वन लिखेंगे, इट इज protective part of ovule, next point in some cases pollen tube also enter from this end, ठीक। Most common क्या है, माइक्रोपाइल्स है, ठीक है। Next point लिखेंगे इसमें, after fertilization आप fertilization को S से भी लिख सकते हैं और Z से भी लिख सकते हैं, Z से, ठीक है। After fertilization integument, integument
converted into C code. Next one is C code contain two layer outer layer for testa, inner layer called tegmen. अगर कोई सीप को देख रहे हैं तो एक मैं डायग्राम बना रहा हूं इस तरीके से. तो ये सीड है, सीड तो सीड में कई चीजें रहता है वो अपन नहीं देख रहे हैं. ठीक है, सीड कोड को देख रहे हैं, सीड का जो कोड है उसको देख रहे हैं. तो एक आउटर कवरिंग है सीड कोड में इस तरीके से. तो दिस वन इज टेस्टा. सीड कोड को कौन बनाया? तो इंटेगमेंट, ओव्यूल का पार्ट इंटेगमेंट टेस्टा, इनर पार्ट इज टेगमेन. सीड कोड में क्या रहता है इस तरीके से एम्ब्रियो वगैरह रहता है. दिस वन इज एम्ब्रियो. तो आप देख रहे टेस्टा कहां पे टेगमेंट का सीड कोड का पार्ट. इतना इंटेगमेंट में क्लियर हुआ. ठीक है, इसके बाद इंटेगमेंट के बाद न्यू सेलस को करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एनिमल न्यू सेलस. देखेंगे पॉइंट नंबर इट इज मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल. नेक्स्ट इट इज मेड अप ऑफ मास ऑफ पेरेंटमेटस सेल, इट इज मेड अप ऑफ मास ऑफ पेरेंटमेटस सेल It presents within the ovule ligand or point some cell of mucellus. Develop and form megaspore mother cell. और megaspore mother cell कैसा होगा? पॉलिन. और जब पॉलिन ट्रेन देखे थे तो वहां पे क्या किए थे? माइक्रोस्पोर मदर सेल. यहां पे क्या करें? मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है, यहां पे मेगास्पोर भी लिखे वो बिल्कुल. तो यहां पे जो भी चीजें लेके चलेंगे सब मेगा नाम से होगा और पॉलन ग्रेन केस में माइक्रो के नाम से होगा. ठीक है, सम सेल ऑफ न्यू सेलस डेवलप एंड फॉर्म मेगा स्पोर मदर सेल. नेक्स्ट मेगा स्पोर मदर सेल मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस.
मेगास्पोर। और मेगास्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? तो बोलेंगे हैप्लॉइड होगा। क्यों? क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो कोई चीज क्या हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल अंडर को मियोसिस एंड फॉर्म मेगास्पोर। नेक्स्ट, मेगास्पोर डेवलप एंड फॉर्म मेगास्पोर डेवलप एंड फॉर्म क्या फॉर्म करेगा, तो अपन बोल रहे हो एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक फॉर्म कर रहा है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। एम्ब्रियो सैक की भी कुलाई के लेवल कितनी होगी, तो एन होगी। ठीक है, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक कैसे फॉर्म हुआ, कौन एम्ब्रियो सैक को फॉर्म कर रहा है, तो आप बोल रहे हो मेगास्पोर डेवलप होके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, एम्ब्रियो सैक मेन पार्ट है ओव्यूल का। ठीक है, तो ये जो है आप समझ पा रहे हैं एम्ब्रियो सैक कैसे डेवलप हुआ। न्यूसेलस की सेलें डिफ्रेंशिएट हो गई और कुछ सेल मोटी हो जाती है, उनको बोलते हो मेगास्पोर मदर सेल, और उसमें मियोसिस होता है, मेगास्पोर डेवलप होता है। ठीक है, कैसे डेवलप होता है वो जो है अपन डेवलपमेंट में सीखेंगे कि कैसे डेवलप होता है। अब इतना क्लियर हो सबको, हेडिंग क्या डालेंगे, एम्ब्रियो सेल डाल रहे पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैमेटोफाइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, it is present within nucellus, next point it contains several types of cell like, कौन कौन सा cell embryo sac में होता है, कौन कौन सा, तो अपन बोलते हो एक cell। और ये सब क्या होंगे, ब्लड एक सेल या फीमेल गैमेट किसी को बोलो, एंटीपोडल सेल, सॉरी एक सेल साइनर्जिक, या इसी को अपन क्या बोलो हेल्पिंग सेल। एंड अदर वन इज सेंट्रल सेल, लास्ट वन इज एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल पोडल सेल। तो कितने सेल हैं, तो ये सब सेल हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, एक सेल सिनर्जी सेंट्रल सेल और एंटीपोडल सेल। ठीक है, एक डायग्राम से मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, तो देख हाँ ये बाद में देखेंगे अपन कि ये सब सेल कैसे डेवलप हुए। ठीक है, ये बाद में देखेंगे, डेवलपमेंट में देखेंगे, अभी केवल एम्ब्रियो सेल के बारे में क्या क्या कौन कौन से सेल है ये आपको समझ में आ गया कि क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, तो देखते हैं, तो रफ डायग्राम बना दे रहा हूं। ठीक है, मैं एक ओव्यूल बनाया, ओव्यूल के अंदर का इस तरीके का, और ये डेवलप ओव्यूल है, ओव्यूल, और दिस वन इज
रफ आइडिया दे रहा हूँ क्या एम्ब्रियो से कहाँ पे ओवरी के अंदर कैसे डेवलप हुआ बात है और कौन से सेल प्रेजेंट है ओवरी के अंदर, तो देखते हैं। दिस वन इज एक सेल और साइड वाले सेल को अपन क्या बोल रहे हो, दिस वन इज एक सेल, ठीक, दिस वन इज साइनर्जी और बीच में सेल इस तरीके से रहते हैं। और इस सेल को ये तो दो न्यूक्लियस है, फिर दिस सेल इज सेंट्रल सेल, ठीक। और यहां पे कौन से सेल है, तो अपन बोलते हो एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया एम्ब्रियो सैक के बारे में, कौन कौन से सेल है कहां पे है, ठीक है। हाँ, सेल कैसे डेवलप हो रहा है उसको अपन बाद में करेंगे, ठीक है, अपन कैसे डेवलप हो रहा है उसको अपन करेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो रहा है कि क्या कैसे है, ठीक है। तो ओव्यूल का ये स्ट्रक्चर हुआ और ओव्यूल का पार्ट हुआ, ठीक है, क्या कैसे है। एक पॉइंट और लिखेंगे ओव्यूल के बारे में कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नोट करके लिख लेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, ठीक है। तो ये पॉइंट जो नोट करके यहां पर लिखेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्टेड इंटू सीड, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होगा, सीड में, इंटेगमेंट कन्वर्टेड इंटू सी पोर्ट, इसको तो अपन लिख चुके हैं, इंटेगमेंट कन्वर्टेड इंटू सीड कोट, ठीक है। और सीड कोट के बारे में आप जान लो, तो ए स्ट्रक्चर के बारे में जो था क्या कैसे है, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा सबको, ठीक है, ठीक है। इतना अपन जो है रहने देते हैं और जब भी आएंगे तो ओव्यूल को फिर डिस्कस करेंगे, ओव्यूल के टाइप को डिस्कस करेंगे कि ओव्यूल कितने टाइप से है और फिर उसका एग्जाम्पल वगैरह क्या है। अभी आज क्या देखे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखे, ओव्यूल के पार्ट को देखे क्या क्या है और क्या क्या जो है मॉडिफाइड होकर डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इतना आप जो है अच्छे से डायग्राम बनाएंगे और इसको जो है याद करेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन वगैरह निकल जाए, ठीक है, और बाकी डाउट होगा तो आप जो है बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।